हमारा स्वास्थ्य बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे मुंह के अंदर क्या जाता है, अर्थात हमारा आहार कैसा है। इस बात को आप समझते हैं, इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया वाला भोजन, कोई भी बासी भोजन जिसमें कोई इन्फेक्शन शरीर में वो कर सकता है, ऐसा भोजन हम ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन आप समझ लें कि अगर हमारे मुंह के अंदर ही बैक्टीरिया पनपने शुरू हो जाएंगे तो क्या उनका हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं होगा? क्या वो हमारे शरीर में अंदर प्रवेश नहीं करेंगे? क्या वो पाचन पर और पाचन के माध्यम से शरीर के सभी अंगों पर उसका प्रभाव नहीं होगा? तो आप समझें कि ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मुंह की अंदर की पूरी एक सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि अगर मुंह में कोई इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कैविटी बन जाती है, या कोई भी दांतों में विकार आते हैं, पायरिया जैसी स्थितियां बनती हैं, तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक है और कष्टप्रद भी है, क्योंकि ये दर्द बड़ा ही गंभीर होता है। तो आप समझें कि हमारे योगियों ने इस विषय की गंभीरता को समझा और महर्षि घेरंड ने घेरंड संहिता में दंत मूल धोती का वर्णन किया कि आपको अपने दांतों का ध्यान किस प्रकार से रखना है, क्या औषधि प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि दांत हमेशा अच्छे बने रहें। इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। इससे आपको पूर्ण स्पष्टता हो जाएगी कि जीवन के अंतिम समय तक आप अपने दांतों को कैसे अच्छा रख सकते हैं। अन्यथा जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का, इन नियमों का अनुसरण नहीं करता है, जीवन के किसी ना किसी पड़ाव में उसे दांतों से संबंधित समस्या अवश्य ही हो जाएंगी, क्योंकि ये जो स्थिति है ये रख रखाव के ऊपर आधारित है। तो अगर आप सफाई का ध्यान रखेंगे, इन नियमों को समझेंगे, तो लाभ होगा। एक और बात समझ लें कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके छोटे पार्टिकल, छोटे कण हमारे दांतों में पीछे की तरफ कहीं ना कहीं लगे रह जाते हैं, और जब आप भोजन कर लेते हैं उसके बाद एक प्लैक बनता है जो कि दांतों के ऊपर एक लेयर बन जाती है, और ये लेयर अगर आप ठीक से इसको साफ कर लें तुरंत ही तो ये बड़ी ही आसानी से समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर इसको साफ ना किया जाए तो 24 घंटे के अंदर ही ये एक कठोर पदार्थ में बदलना शुरू हो जाती है, और आपने देखा होगा कितने ही व्यक्तियों के दांतों में एक कठोर कुछ ऐसा पदार्थ जो कि दांतों का हिस्सा नहीं है वो उपस्थित होता है, और पीछे की तरफ ये बहुत ज़्यादा होता है। जब व्यक्ति इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है तो ये दांतों की जड़ों में जाना शुरू कर देता है और दांतों के आसपास मसूड़ों में एक पॉकेट बन जाता है, जिससे कि दांत मसूड़ों से अलग होना शुरू हो जाते हैं और दांत हिलने शुरू हो जाते हैं, और इसके बाद कोई विकल्प नहीं होता, फिर दांतों को निकालना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों से अगर बचना है तो दांतों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन स्थितियों से बचने के लिए हमें दंत मूल धोती को समझना होगा। इससे पहले हम आपके साथ कुछ नियम साझा करते हैं जो आपको निश्चित रूप से जीवन में अपने धारण करके रखने हैं हमेशा। सबसे पहला नियम होगा कि आपको भोजन करने के बाद जब भी आप कुछ खा रहे हैं तो ये नियम बना लें कि आपको 2 घूंट पानी लेना है, उसका मुंह के अंदर संचालन करना है और उसे निकाल देना है, फिर से पीना है, फिर से संचालन करना है, निकाल देना है, फिर से पीना है। इसी प्रकार से 3 बार आपको करना ही है जब भी आप भोजन कर रहे हैं, 3 समय तो करना ही करना है। दूसरे स्थान पर ध्यान रखना है कि जो भी आप मीठा पदार्थ ग्रहण करते हैं वो पदार्थ आपके दांतों में रुक जाता है अगर, तो उसका एसिडिक इफेक्ट बनना जल्दी शुरू हो जाता है, वो एसिड में बदलना शुरू हो जाता है जो मीठा पदार्थ है। तो जो मीठा पदार्थ एसिड में बदला और वो आपके दांत में अटका है, वो आपके दांतों की जो सबसे कठोर और ऊपरी लेयर होती है इनेमल को इफेक्ट करना शुरू करेगा, उसको खराब करना शुरू करेगा, और जब ये बार 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 होता रहेगा तो फिर आपका जो इनेमल है दांतों का वो खराब हो जाएगा, और उसके बाद दांतों के अंदर कैविटी बनना और फिर वहां पर स्मेल रहना, क्योंकि उसमें फूड के पार्टिकल भी रुकेंगे, ऐसी स्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो जब भी आप कुछ मीठा खा रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि सफाई करनी है उसके बाद दांतों की। ऐसा कभी नहीं करना है कि ब्रश किया, ब्रश करने के बाद रात्रि में आपने फिर से कुछ थोड़ा बहुत खा लिया और फिर आप सो गए, ये तो बड़ा ही गलत हो जाता है। रात्रि में जब आप ब्रश करते हैं उसके बाद आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, ये भी आपको नियम बना लेना है। तीसरे स्थान पर ये जो हमारा नियम है, ये ऐसा एक नियम समझ लें आप
कि इस नियम के पालन से ही दांत मजबूत हो जाएंगे। किसी के दांत हिलते हैं उनमें अच्छा लाभ मिलेगा, दांतों में किसी समस्या की संभावना है वो भी ठीक होनी शुरू होगी। और करना ये है कि आपको जो आप ब्रश करते हैं उसके स्थान पर अपनी उंगली से अपने मसूड़ों के ऊपर मालिश करनी है। जब आप मसूड़ों के ऊपर मालिश करते हैं तो वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है और ये आपके मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है और इनको एक शक्ति मिलती है, एक बल मिलता है। और दांत जो कमज़ोर हो जाते हैं उनकी जड़ों से, उनकी जड़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर जड़ें ठीक है तो जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ें ठीक होती हैं तो पूरी ऊपर तक शाखाएं, एक एक पत्ते तक पोषण पहुंचता है। इसी प्रकार से दांतों की जड़ अगर मजबूत रहेगी तो वो बड़ा ही अच्छा रहेगा, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपको जो आप ब्रश करते हैं वो भी आप कर लें, हल्के हाथ से धीमा कर लें, लेकिन उसके बाद ये नियम जरूर बना लें कि उसे एक तरफ रख के आप उंगली से मसूड़ों की मालिश कुछ समय तक ज़रूर करेंगे। ये दंत मूल धोती का एक नियम आप समझ लें, ये विशेष उपयोगी होगा। और प्राचीन समय में ब्रश का प्रयोग नहीं होता था, या तो दांतुन का प्रयोग किया जाता था या फिर उंगली का प्रयोग किया जाता था, अपनी उंगली से ही हम दांतों की सफाई करते थे, तो ये उपयोगी हो जाता था। तो यही नियम हमें अब भी धारण करना है अपने जीवन में। एक और आगे बढ़ते हुए महर्षि घेरंड कहते हैं कि खादिर का प्रयोग करना है। खादिर क्या है? खादिर है कत्था, जो आप पान में प्रयोग किया जाता है। खादिर उस जिसे कत्था कहते हैं, उसका प्रयोग भी दांतों के लिए परम हितकारी होता है। जिसके दांतों में कोई समस्या हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, कोई बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, कैविटी हो जाती है, तो उसको कहा भी जाता है कि आप खादिर को मुंह में रख लें, कत्थे को मुंह में रख लें, कुछ समय बाद दर्द भी कम हो जाता है, लाभ होता है। तो महर्षि घेरंड भी कहते हैं कि खादिर के रस से, यानी कि खादिर को भिगो करके उसका रस जो बन जाएगा उससे दांतों में उसको लगा करके उससे उंगली से उसका प्रयोग करना है। इससे जिसके दांत दुखते हैं, जिसके दांतों में दर्द रहता है, हिलने शुरू हो गए हैं, स्मेल रहती है, बैक्टीरिया बनने शुरू हो गए हैं, ऐसी कोई भी स्थिति है तो वो खादिर का प्रयोग अवश्य ही कर सकता है, उसे इसमें अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और अंत में महर्षि कहते हैं कि आप मिट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं दांतों की सफाई के लिए। उसके लिए आपको ज़मीन में एक गहरा गड्ढा खोद के वहाँ से कुछ मिट्टी लेनी होती थी और उसके बाद उसका प्रयोग करना होता था, लेकिन हम अब मिट्टी के प्रयोग के लिए सुझाव नहीं देते हैं, क्योंकि कई बार व्यक्ति को पता नहीं होता कि किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करना है। कई बार पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा प्रयोग होने शुरू हो गए हैं तो ऊपरी सतहों में दवाइयों का प्रभाव भी देखा जाता है। तो ऐसी स्थितियों में उपयोगी है कि खादिर का प्रयोग किया जाए, उपयोगी है कि किसी भी आयुर्वेदिक दंत मंजन जो पाउडर की फॉर्म में आते हैं विशेष रूप से, उनको लेके और उनसे दांतों पर उंगली से मसाज की जाए, विशेष उपयोगी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप इतना करते हैं दांतों के लिए इसको ठीक प्रकार से समझ के, तो दांत अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, दांतों में कभी कोई समस्या नहीं होगी और हर प्रकार की समस्या से आप बचे रहेंगे दांतों की। तो आज का जो हमारा ये मार्गदर्शन था, ये था दंत मूल धोती के विषय में, जो कि योगिक मार्ग में एक विशेष अभ्यास माना जाता है। शरीर का शोधन, शरीर की सफाई और शरीर की रक्षा अनिवार्य है, तभी आप इस योग में आगे बढ़ सकेंगे, प्रगति होगी और आनंदमय जीवन भी होगा। अपेक्षा है कि ये मार्गदर्शन आपको ठीक प्रकार से समझ आ गया होगा। आज के लिए यहीं तक हम इस विषय को रखते हैं, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।